गौरवशाली विरासत का धनी जयपुर आज करवट बदल रहा है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए सुनहरे भविष्य की ओर एक लंबी छलांग है जयपुर मेट्रो। तीन जून सन 2015 में शुरू हुई जयपुर मेट्रो आज जयपुर वासियों की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। सुगम, सरल, सुविधाजनक, सुरक्षित, किफायती, यही वो कारण हैं जिन्होंने जयपुर मेट्रो को हमारे दिल में खास जगह दी है। आपके सफर को आरामदायक बनाने की पहली कड़ी है जयपुर मेट्रो के स्टेशन। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जन रैंप और लिफ्ट की मदद से मेट्रो से आसानी से सफर कर सकते हैं। दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए स्पर्श पथ और ब्रेल नोटेशन बटन भी उपलब्ध है। मेट्रो ट्रेन्स के रूट और आने जाने के समय की जानकारी निरंतर प्रसारित की जाती है। मेट्रो में सफर करना बड़ा आसान है। आप मेट्रो में सफर करने के लिए टिकट वेंडिंग मशीन से स्मार्ट टोकन ले सकते हैं। अगर आप जयपुर मेट्रो में नियमित सफर करते हैं तो स्मार्ट कार्ड आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। स्मार्ट कार्ड काम में लेने पर 10% तक की विशेष छूट भी दी जाती है। आप अपने स्मार्ट कार्ड का बैलेंस आसानी से मालूम कर सकते हैं एवं उसे ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। मेट्रो में महिलाओं के सफर को आरामदायक बनाने के लिए सभी डिब्बों में आरक्षित सीटें हैं। हर स्टेशन पर महिला पुलिस और मेट्रो कर्मी हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। यही नहीं, महिला यात्रियों के लिए मानसरोवर और चांदपोल स्टेशन पर विशेष बेबी फीडिंग रूम बनाए गए हैं और इनके लिए हर डिब्बे में 4 सीटें आरक्षित हैं। महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है जयपुर मेट्रो। यहाँ 30% महिला कर्मी कार्यरत हैं। श्यामनगर स्टेशन को महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन के रूप में 100% महिला कर्मियों द्वारा संचालित किया जाता है। जयपुर मेट्रो के ये स्टेट ऑफ आर्ट कोच बड़े आरामदायक एवं साफ सुथरे हैं। ये न सिर्फ वातानुकूलित हैं, बल्कि आपको ये शोर, धूल और धुएं जैसे प्रदूषण से दूर रखते हैं। सफाई से दमकते मेट्रो स्टेशंस आपका दिल जीत लेंगे। हर स्टेशन पर साफ सुथरे शौचालय हैं और पीने के लिए शुद्ध पानी निःशुल्क उपलब्ध है। जयपुर मेट्रो में सफर करना बेहद सुरक्षित है। अच्छी है मेट्रो, किराया भी इसमें कम लगता है और सेफ भी है। इसमें सफर करने वाले हर यात्री के सामान की गहन जांच की जाती है। अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों से स्टेशनों के कोने कोने की निगरानी रखी जाती है। मेट्रो ट्रेन्स के प्रत्येक कोच में भी सीसीटीवी कैमरे हैं। सेंट्रल कंट्रोल रूम में सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग मॉनिटर की जाती है। अनचाही स्थिति से निपटने के लिए मेट्रो पुलिस हमेशा तैयार रहती है। आपातकालीन स्थिति में यात्री ट्रेन में लगे हुए टॉकबैक सिस्टम की मदद से आसानी से ट्रेन ऑपरेटर से बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना तुरंत स्टेशन नियंत्रक और कंट्रोल रूम के पास पहुंचती है, जिस पर वे तत्परता से कार्रवाई करते हुए दुर्घटना होने से रोकते हैं। जयपुर मेट्रो का संचालन और रखरखाव तकनीकी रूप से सक्षम और दक्ष टीम करती है, जो 24 घंटे पूरी मेहनत के साथ जुटी रहती है इसकी सर्वोत्तम तकनीकी देखरेख के लिए। यही कारण है कि आज तक जयपुर मेट्रो में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी है। जयपुर मेट्रो रोजाना सुबह से देर रात्रि तक निश्चित समय पर यात्रियों को अपनी मंजिल पर पहुंचा रही है। सभी गाड़ियों का संचालन अत्याधुनिक तकनीक से किया जाता है और इनके चलने की प्रोग्रामिंग और मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाती है। हर ट्रेन की रियल टाइम स्थिति चीफ कंट्रोल मैनेजर के सामने रहती है। दूसरी ओर दक्ष ट्रेन ऑपरेटर अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। नतीजा, जयपुर मेट्रो आपको 100% सही समय पर मिलेगी। मैंने कभी भी जयपुर मेट्रो में टाइमिंग इशू नहीं देखा। अगर 4 मिनट दी गई है तो वो फिक्स 4 मिनट में आ जाती है। समय की पाबंदी की वजह से जयपुर वासियों का मेट्रो पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। यात्रियों को मेट्रो स्टेशन तक लेके आने के लिए विशेष फीडर सर्विसेज जैसे कि ई रिक्शा, टाटा मैजिक और JCTSL की बसें उपलब्ध हैं।
मेट्रो से उतरने के बाद मेरे को मैजिक मिल जाता है। मेरे को मेट्रो में जो मैं सफर करता हूँ उसके अंदर मेरा टाइम प्लस मेरा किराया सब कुछ बचता है। जयपुर मेट्रो पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सजग है। बिजली से चलने वाली मेट्रो प्रदूषण नहीं फैलाती। मानसरोवर स्थित मेट्रो डिपो की छत पर अत्याधुनिक सोलर सिस्टम लगाया गया है, जो बिजली के लिए आत्मनिर्भर होने की ओर एक कदम है। इसकी वैज्ञानिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बिजली पैदा कर 35% तक बिजली की बचत करती है। जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में जो पेड़ हटाए गए थे उनको आधुनिक तकनीक से पुनर्स्थापित किया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। जयपुर मेट्रो के रूट पर ये दोनों महत्वपूर्ण स्टेशन होने से यात्रियों के लिए अन्य शहरों की यात्रा सुगम हो गई है। सुचारू यातायात के लिए बनाई गई डबल डेकर ट्रैक न सिर्फ बेजोड़ इंजीनियरिंग का नमूना है, बल्कि इसमें जयपुर मेट्रो की दूरगामी सोच भी झलकती है। छोटी और बड़ी चौपड़ पर बने ये दो भूमिगत मेट्रो स्टेशंस दक्ष इंजीनियरिंग के एक और प्रतीक हैं। चार दीवारी के अंदर मेट्रो की पहुंच से प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक का दबाव कम हो रहा है और खरीदारी आसान हो गई है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे त्रिपोलिया गेट, हवा महल, गोविंद देव जी का मंदिर आदि तक यात्रियों की पहुंच आसान हो रही है। सिटी के ट्रैफिक से अगर आपको बचना है और तो मेट्रो बहुत अच्छा है। पार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। घर से मैं स्कूटी से आती हूँ, स्कूटी में मेट्रो की पार्किंग में पार्क करती हूँ एंड देन आई कम इन मेट्रो। जयपुर मेट्रो के निर्माण में हेरिटेज संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर करीब 150 वर्ष पूर्व के ऐतिहासिक जलकुंडों को मूल स्वरूप में विकसित किया गया है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। छोटी चौपड़ पर एक विश्व स्तरीय कला दीर्घा का भी निर्माण किया गया है। जयपुर मेट्रो अपनों के जन्मदिन को यादगार मनाने और प्री वेडिंग शूट एवं अन्य समारोहों के आयोजन का सुनहरा मौका देती है, वो भी बड़ी किफायती दरों पर। स्कूली बच्चों की अनूठी ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए मेट्रो में विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी मेट्रो के फायदों से रूबरू हो सके। प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाकर 3300 करोड़ रुपए लागत की मेट्रो ने शहर में आवागमन को समय की बचत के साथ सुरक्षित, आरामदायक और किफायती बना दिया है, और इन्हीं कारणों से जयपुर मेट्रो बन रही है सभी की पहली पसंद।